शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह का हुक्म यानी अजाब गोया आ ही पहुंचा तो काफिरों उसके लिए जल्दी मत करो, और ये लोग जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं वो उससे पाक और बालातर है। वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझी से डरो। उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया, उसकी जात इन काफिरों के शिर्क से बुलंद बरतर है। उसी ने इंसान को नुतफे से बनाया मगर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया, और मवेशियों को भी उसी ने पैदा किया, उनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाओ और बहुत से दूसरे फायदे हैं, और उनमें से बास को तुम खाते भी हो, और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो और जब सुबह को जंगल चराने ले जाते हो तो उनसे तुम्हारी इज्जत और शान का इजहार होता है। और दूर दराज शहरों में जहां तुम सख्त मेहनत के बगैर पहुंच नहीं सकते वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफकत वाला है, मेहरबान है। और उसी ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, और वो तुम्हारे लिए रौनक और जीनत भी है, और वो और चीजें भी पैदा करता है जिनकी तुमको खबर नहीं। और सीधा रास्ता तो अल्लाह तक जा पहुंचता है और बाज रस्ते टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रस्ते पर चला देता। वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो, और उससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और दूसरे बेशुमार दरख्त उगाता है, और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जो तरह तरह के रंगों की चीजें उसने जमीन में पैदा की सब तुम्हारे जेरे फरमान कर दी। नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानी है। और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताजा गोश्त निकालकर खाओ, और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि कश्तियां समंदर में पानी को फाड़ती चली जाती हैं। और इसलिए भी समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फजल माश हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो। और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने न लगे, और नदियां और रस्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको, और रस्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रस्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा ना कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन ना सको। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो सबसे अल्लाह वाकिफ है। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगो, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये कयामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे, और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थी तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा, और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी, और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आवाके हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था। फिर वो उनको कयामत के दिन भी जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे? जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि आज काफिरों की रुसवाई और बुराई है। उनका हाल यह है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने लगते हैं जबकि ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं तो मुतीओ फरमा बरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे। हां, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है। सो दोजख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसमें रहोगे। अब तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है
तो कहते हैं कि बेहतरीन कलाम। जो लोग नेकुकार हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो बहुत ही अच्छा है और परहेजगारों का घर बहुत खूब है। वो बहिश्त जावेदानी जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहां जो चाहेंगे उनके लिए मुयस्सर होगा। अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही बदला देता है। इनकी कैफियत यह है कि जब फरिश्ते इनकी जानें निकालने लगते हैं और ये कुफ्र शिर्क से पाक होते हैं तो सलामुन अलैकुम कहते हैं और कहते हैं कि जो अमल तुम किया करते थे उनके बदले में बहिश्त में दाखिल हो जाओ। क्या ये काफिर इस बात के मुंतजिर हैं कि फरिश्ते इनके पास जान निकालने आए या तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म अजाब आ पहुंचे? इसी तरह उन लोगों ने किया था जो इनसे पहले थे और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करते थे, तो उनको उनके अमाल के बुरे बदले मिले और जिस चीज के साथ वो ठट्ठे किया करते थे उसने उनको हर तरफ से घेर लिया। और मुशरिक कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम ही उसके सिवा किसी चीज को पूजते और ना हमारे बड़े ही पूजते और ना उसके फरमान के बगैर हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐ पैगंबर, इसी तरह इनसे अगले लोगों ने किया था तो पैगंबरों के जिम्मे अल्लाह के अहकाम को खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। और हमने हर उम्मत में कोई पैगंबर भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो और बुतों की परस्तिश से इज्तिनाब करो, तो उनमें बाज ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और बाज ऐसे हैं जिन पर गुमराही साबित हुई। सो जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अगर तुम इन कुफ्फार की हिदायत के लिए बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखो, जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको वो हिदायत नहीं दिया करता और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होता। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे जिंदा करके नहीं उठाएगा। क्यों नहीं, ये अल्लाह का वादा सच्चा है और इसका पूरा करना उसे जरूर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ताकि जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं वो इन पर जाहिर कर दे, और इसलिए कि काफिर जान लें कि वो झूठे थे। जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो हमारी बात यही होती है कि उसको कह देते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते, यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और हमने तुमसे पहले मर्दों ही को पैगंबर बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही भेजा करते थे। अगर तुम लोग नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो, और उन पैगंबरों को दलीलें और किताबें देकर भेजा था, और हमने तुम पर भी ये किताब नाजिल की है ताकि जो इरशादात लोगों पर नाजिल हुए हैं वो उन पर जाहिर कर दो और ताकि वो गौर करें। अब क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ जाए जहां से उनको खबर ही ना हो, या उनको चलते फिरते पकड़ ले, तो वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते? या जब उनको अजाब का डर पैदा हो गया हो तो उनको पकड़ ले? बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। क्या इन लोगों ने अल्लाह की मखलूकात में से ऐसी चीजें नहीं देखी जिनके साये दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को लौटते रहते हैं, यानी अल्लाह के आगे आजिजी से सजदे की हालत में रहते हैं? और तमाम जानदार जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, और फरिश्ते भी, और वो जरा गुरूर नहीं करते और अपने परवरदिगार से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो उनको इरशाद होता है उस पर अमल करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया है कि दो दो माबूद न बनाओ, माबूद तो वही एक है, स्वय बंदो मुझी से डरते रहो, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है, तो तुम अल्लाह के सिवा औरों से क्यों डरते हो? और जो नेमतें तुमको मुयस्सर हैं सब अल्लाह की तरफ से हैं, फिर जब तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी के आगे फरियाद करते हो, फिर जब वो तुमसे तकलीफ को दूर कर देता है तो कुछ लोग तुम में से अल्लाह के साथ शरीक करने लगते हैं ताकि जो नेमतें हमने उनको अता फरमाई हैं उनकी नाशुक्री करें। तो मुशरिको, दुनिया में फायदे उठा लो, फिर अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमारे दिए हुए माल में से ऐसी चीजों का हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिनको जानते ही नहीं। काफिरों, अल्लाह की कसम कि जो तुम झूठ बांधा करते हो उसकी तुमसे जरूर पुरसिश होगी। और ये लोग अल्लाह के लिए तो बेटियां तजवीज करते हैं, वो पाक है,
और अपने लिए बेटे जो मरगूब दिल पसंद हैं, और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, और उस खबर बद के सबब जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। देखो ये जो तजवीज करते हैं बहुत बुरी है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन्हीं के लिए बुरी मिसाल है, और अल्लाह को सिफत आला जेब देती है और वो गालिब है हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिया जाता है, फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीजें तजवीज करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं, और जबान से झूठ बके जाते हैं कि उनको कयामत के दिन भलाई यानी नजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोजख की आग तैयार है, और ये दोजख में सबसे आगे भेजे जाएंगे। अल्लाह की कसम हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगंबर भेजे तो शैतान ने उनके करतूत उनको आरास्ता कर दिखाए, तो आज भी वही इनका दोस्त है और इनके लिए अजाब अलीम है। और हमने जो तुम पर किताब नाजिल की है तो इसलिए कि जिस बात में इन लोगों को इख्तिलाफ है तुम उसका फैसला कर दो, और ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा किया, बेशक इसमें सुनने वालों के लिए निशानी है। और तुम्हारे लिए चौपायों में भी मकाम इबरत गौर है कि उनके पेटों में जो गोबर और लहू है उसके दरमियान से निकालकर हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है, और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिस्क खाते हो। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में निशानी है। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया फिर वही तुमको मौत देता है, और तुम में बाज ऐसे होते हैं कि निहायत खराब उम्र को पहुंच जाते हैं ताकि बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज से बेइल्म हो जाएं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है कुदरत वाला है। और अल्लाह ने रिज़्क दौलत में बाज को बाज पर फजीलत दी है, तो जिन लोगों को फजीलत दी है वो अपना रिज़्क अपने गुलामों को तो दे डालने वाले हैं नहीं कि सब उसमें बराबर हो जाएं, तो क्या ये लोग नेमत इलाही के मुनकिर हैं? और अल्लाह ही ने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की और बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और खाने को तुम्हें पाकीजा चीजें दी, तो क्या ये लोग बातिल पर इतकाद रखते और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं? और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो इनको आसमानों और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते और न किसी और तरह का मकदूर रखते हैं। तो लोगों अल्लाह के लिए गलत मिसालें न बनाओ, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है जो बिल्कुल दूसरे के इख्तियार में है और किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, और एक ऐसा शख्स है जिसको हमने अपने हाथ से बहुत संभाले तैयब अता फरमाया है, और वो उसमें से रात दिन पोशीदा और जाहिर खर्च करता रहता है। तो क्या ये दोनों शख्स बराबर हैं? हरगिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझ रखते। और अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि दो आदमी हैं, एक उनमें से गूंगा और किसी का गुलाम है बे इख्तियार नातवा कि किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और अपने मालिक को दूभर हो रहा है, वो जहां उसे भेजता है कभी अच्छी खबर नहीं लाता। क्या ऐसा गूंगा बहरा और वो शख्स जो सुनता बोलता और लोगों को इंसाफ करने का हुक्म देता है और खुद सीधे रास्ते पर चल रहा है दोनों बराबर हो सकते हैं? और आसमानों और जमीन का भेद अल्लाह ही के पास है, और अल्लाह के नजदीक कयामत का आना यूं है जैसे आंख का झपकना, बल्कि उससे भी जलतर। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और इनके अलावा और आज़ा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं? इनको अल्लाह ही थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।
और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए जिनको तुम हल्का फुल्का देखकर सफर और हजर में काम में लाते हो, और उनकी ऊन और पश्म और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साए बनाए और पहाड़ों में गार बनाए और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाएं, और ऐसे कुर्ते भी जो तुमको असलहे जंग के जरर से महफूज रखें। इसी तरह अल्लाह अपना एहसान तुम पर पूरा करता है ताकि तुम फरमाबरदार बनो। बस अगर ये लोग रू गर्दानी करें तो ऐ पैगंबर, तुम्हारा काम फकत साफ साफ पहुंचा देना है। ये अल्लाह की नेमतों से वाकिफ हैं मगर वाकिफ होकर उनसे इनकार करते हैं और ये अक्सर नाशुक्र हैं। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह यानी पैगंबर को खड़ा करेंगे, फिर न तो कुफार को बोलने की इजाजत मिलेगी और न उनके उज्र कबूल किए जाएंगे। और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर न तो उनके अजाब ही में तख़फीफ की जाएगी और न उनको मोहलत ही दी जाएगी। और जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि परवरदिगार, ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे, तो वो उनके कलाम को मुस्तरद कर देंगे और उनसे कहेंगे कि तुम झूठे हो। और उस दिन अल्लाह के सामने सर निगूं हो जाएंगे और जो तूफान वो बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, हम उनको अजाब पर अजाब देंगे इसलिए कि शरारत किया करते थे। और उस दिन को याद करो जिस दिन हम हर उम्मत में से खुद उन पर गवाह खड़े करेंगे, और ऐ पैगंबर, तुमको उन लोगों पर गवाह लाएंगे, और हमने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की है कि उसमें हर चीज का बयान मुफस्सिल है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बिशारत है। अल्लाह इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को खर्च से मदद देने का हुक्म देता है और बेहयाई और नामाकूल कामों से और सरकशी से मना करता है और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। और जब अल्लाह से अहद करो तो उसको पूरा करो, और जब पक्की कसमें खाओ तो उनको मत तोड़ो कि तुम अल्लाह को अपना जामिन मुकर्रर कर चुके हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। और उस औरत की तरह न होना जिसने मेहनत से तो सूद काटा फिर उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला, कि तुम अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया बनाने लगो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादा गालिब रहे। बात यह है कि अल्लाह तुम्हें इससे आजमाता है, और जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो कयामत के दिन उसकी हकीकत तुम पर जाहिर कर देगा। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। और जो अमल तुम करते हो उस दिन उनके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। और अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया न बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाएं, और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका तुमको सजा चखनी पड़े और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब मिले। और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको मत बेचो और उसके बदले थोड़ी सी कीमत न लो, क्योंकि ईफाए अहद का जो सिला अल्लाह के यहां मुकर्रर है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। जो शख्स नेक आमाल करेगा मर्द हो या औरत और वो मोमिन भी होगा तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके आमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता, उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं और अल्लाह जो कुछ नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है तो काफिर कहते हैं कि तुम तो अपनी तरफ से बना लाते हो। हकीकत यह है कि उनमें अक्सर नादान हैं। कह दो कि इसको रूहुल कुदुस तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं ताकि ये कुरान मोमिनों को साबित कदम रखे, और हुक्म मानने वालों के लिए तो ये हिदायत और बिशारत है। और हमें मालूम है कि ये कहते हैं कि इस पैगंबर को एक शख्स सिखा जाता है, मगर जिसकी तरफ तालीम की निस्बत करते हैं उसकी जबान तो अजमी है और ये साफ अरबी जबान है। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह हिदायत नहीं देता और उनके लिए अजाब अलीम है।
झूठ तो वही लोग बांधा करते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, और वही झूठे हैं। जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र करे, वो नहीं जो कुफ्र पर जबरदस्ती मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान के साथ मुतमईन हो, बल्कि वो जो दिल से और दिल खोल कर कुफ्र करे, तो ऐसों पर अल्लाह का गजब है और उनको बड़ा सख्त अजाब होगा। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में अजीज तर रखा, और इसलिए कि अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। यही लोग हैं जिनके दिलों पर और कानों पर और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, और यही गफलत में पड़े हुए हैं। कुछ शक नहीं कि आखिरत में यही लोग खसारा पाने वाले होंगे। फिर जिन लोगों ने ईजाएं उठाने के बाद तरके वतन किया, फिर जिहाद किया और साबित कदम रहे, तुम्हारा परवरदिगार उनको बेशक इन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। जिस दिन हर शख्स अपनी तरफ से झगड़ा करने आएगा और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो कि हर तरह अमन चैन से थी, हर तरफ से उसका रिज़्क बाफरागत चला आता था, मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उनको भूख और खौफ का लिबास पहनाकर नाशुक्री का मजा चखा दिया, और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आया तो उन्होंने उसको झुटलाया, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। बस अल्लाह ने जो तुमको हलाल तैयब रिज्क दिया है उसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी करो अगर उसी की इबादत करते हो। उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त हराम कर दिया है, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए उसको भी। हां अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते के गुनाह करने वाला ना हो और न हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यूं ही झूठ जो तुम्हारी जबान पर आ जाए मत कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला नहीं होगा। झूठ का फायदा तो थोड़ा सा है, मगर उसके बदले उनको अजाब अलीम बहुत होगा। और जो चीजें हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं वो हमने यहूदियों पर हराम कर दी थी, और हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने नादानी से गलत काम कर लिया फिर उसके बाद तौबा की और नेकूकार हो गए, तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेकूकार हो जाने के बाद बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। बेशक इब्राहिम लोगों के इमाम और अल्लाह के फरमा बरदार थे जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे, उसकी नेमतों के शुक्रगुजार थे, अल्लाह ने उनको बरगुजीदा किया था और अपनी सीधी राह पर चलाया था, और हमने उनको दुनिया में भी खूबी दी थी और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। फिर ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। हफ्ते का दिन तो उन्हीं लोगों पर मुकर्रर किया गया था जिन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया, और तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। ऐ पैगंबर लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मुनाजरा करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची, और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। और सब्र ही करो, और तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है, और उनके बारे में गम ना करो, और जो ये साजिशें करते हैं उससे तंग दिल ना हो। कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेकुकार हैं अल्लाह उनका मददगार है।